हेलो मित्रों, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करने आया हूँ। टाइटल है, क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपटीशन होती है? आपने ये तो सुना ही है सब लोगों ने कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टकराव होता है, और टकराव होना स्वाभाविक है, बर्तन को बर्तन तो लगता ही है, आवाज़ आती ही है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो सारे बिहेवियरल एग्जाम्पल्स हुए। मैं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे कि क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉम्पिटिशन होती है? कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस, मैं अच्छा तू अच्छी, तेरे से मैं ज्यादा अच्छा, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिशन। हाँ मित्रों, ये सच में होता है। और ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है, ये आमतौर पे ये कॉम्पिटिशन वहां पर रुक नहीं जाता, मतलब ये कॉम्पिटिशन जेलेसी में कन्वर्ट होने की संभावना हमेशा रहती है। हालांकि वो जेलेसी में कन्वर्ट ना हो ऐसे हम उम्मीद करते हैं। मैं जेलेसी और एनवी के बारे में कभी और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जेलेसी और एनवी ये बहुत मिलते जुलते शब्द है, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस एनवी में कन्वर्ट हो सकता है, ये ज्यादा मुमकिन है। एनवी क्या होती है? एनवी के टाइप्स अलग अलग होते हैं। मैंने मेरे किसी वीडियो में ये बताया है कि जैसे कंसेप्चुअल एनवी, एनालिटिकल एनवी, मोटिवेशनल एनवी, इंस्पिरेशनल एनवी। तो मैं इंस्पिरेशनल एनवी के बारे में बात करना चाहूंगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉम्पिटिटिव एनवी होती है बहुत बार, या वो कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिवनेस से ओरिजिन होने वाली एनवी होती है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर एनवी है तो वो इंस्पिरेशनल एनवी होने की जरूरत है, क्योंकि फिर ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो दोनों को मदद करता है ना? कैसे? क्योंकि हस्बैंड के पास में कोई अच्छे गुण रहते हैं, वाइफ के पास में कुछ अच्छे गुण रहते हैं, तो एक-एक से गुणों से सीखना तब पॉसिबल होता है जब आप दूसरों को, मतलब अपने हस्बैंड को अगर आप वाइफ हो तो, और अपने वाइफ को अगर आप हस्बैंड हो तो, इंस्पिरेशनल एनवी के मेंटल बेस से देखिएगा, ताकि वो जो कर रही है वाइफ या वो जो कर रहे हैं हस्बैंड, उससे आप इंस्पिरेशन ले सकोगी और आप भी वैसा बनने की कोशिश करो, ठीक है ना? मतलब एक मेक को टीचर बोल करके आप अगर रहना पसंद करेंगे और अगर वैसा ब्रेन को ट्रेन करेंगे, तो आपका ये जो कॉम्पिटिटिव बेस है ये धीरे धीरे इंस्पिरेशनल एनवी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां से 50 साल की उम्र में आते आते आप दोनों एक मेक के मुरीद बन जाओगे, एक मेक के टीचर और स्टूडेंट बन जाओगे, और एक मेक का आपका जो प्यार है वो प्यार सच में रंग लाएगा मित्रों। तो बात याद रखिएगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या करना चाहिए? इंस्पिरेशनल एनवी रखना चाहिए, इंस्पायर, इंस्पिरेशन लेना चाहिए एक मेक ने एक मेक से, ठीक है? तो चलिए, इस बात को आज यही विराम देता हूँ, इस कंसेप्ट को। थैंक यू सो मच।